विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान शाहिद अफरीदी के कश्मीर पर दिए गए सच्चे बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है कश्मीर पर अफरीदी के सच से पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की नाक कट गई है आई थिंक दिस वाज अ वेरी अननेसेसरी स्टेटमेंट दैट हैज बीन गिवन बाय Uh, Mr. Shahid Afridi, uh, he is not a politician, he is not a diplomat, he is not a career civil servant, even. Um, he does not have any right uh, to play with the sentiments of the Kashmiri people and the Pakistani people. Uh, Kashmir is linked with Pakistan geographically and emotionally and even sentimentally. So I think these were very uncalled for words. Uh, uh, and above all, uh, Mr. Shahid Afridi must know that we had just had a second democratic transition. Uh, the political system in this country.

का के बारे में कुछ सवाल ही नहीं भारत पार्ट था है और रहेगा बयान पर घिरने के बाद अफरीदी को डर सताने लगा है कि कहीं उनका पाकिस्तान में जूतों चप्पलों से स्वागत न हो इसलिए फौरन बैक गियर लगाते हुए ट्विटर पर सफाई दी है अफरीदी का आरोप है कि भारतीय मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मोड़ कर दिखाया है बता दें अफरीदी पहले भी कई बार जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर विवादित बयान दे चुके है। दिख रहे हैं कि पाकिस्तान से पाकिस्तान के लोग ही नहीं सम्भाल रहे वो कश्मीर को क्या संभालेगा पाकिस्तान पहले अपने प्रांत तो संभाल ले फिर कश्मीर की बात करे वो यही नहीं रुकते अफरीदी आगे कहते हैं कि कश्मीर को अलग देश बनने दिया जाए वीडियो में वो कहते दिख रहे हैं कश्मीर कोई इशू नहीं है जो लोग वहाँ पर रहते हैं मैं कहता हूँ की पाकिस्तान को नहीं चाहिए कश्मीर पिछले साल भारत में खत्म हुई वर्ल्ड टी के दौरान अफरीदी ने कहा था कश्मीर के लोगों ने आकर हमारी हौसला अफजाई की है मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अफरीदी के इस बयान पर जमकर बवाल मचा था लेकिन अब जब अफरीदी ने कश्मीर पर पहली बार सच बोला है तो पाकिस्तानियों को ये बात पच नहीं रही है शाहिद आफरीदी की स्टेटमेंट जो उन्होंने लंदन में दी कश्मीर के हवाले से वो पाकिस्तान में किसी कोई अच्छे तरीके से नहीं ली गई है पाकिस्तान में एनालिस्ट का ये कहना है कि शाहिद आफरीदी ना ही सियासतदान हैं ना ही डिप्लोमेट हैं ना ही कोई सिविल सर्वेंट हैं और ना ही उनका किसी ऐसे इदारे से ताल्लुक़ है कि वो किसी तरह से भी पाकिस्तान को जजमेंट दे सकें कश्मीर के हवाले से या पाकिस्तान की अपनी गवर्नेंस के हवाले से पोलिटिकल सिस्टम के हवाले से एनलिस का कहना है कि शाहिद आफरीदी एक क्रिकेटर हैं और उनको क्रिकेट के हवाले से ही बात करनी चाहिए क्रिकेट के के हवाले से ही उनको अपनी मसरूफियत रखनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रवर्शल मामले के अंदर उनको नहीं बोलना चाहिए शायद आफरीदी का ये कहना कि पाकिस्तान से कश्मीर तो दूर की बात अपने चार सूबे नहीं संभल रहे ये भी यहाँ पर अच्छा नहीं समझा गया उन्होंने उनको याद दिलाया कि फाटा को प्रोविनशल स्टेटस दे दिया गया है फाटा में पीस आया है वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान लड़ रहा है एनएफसी और 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविसेज जो हैं वो एम्पावर्ड हैं पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा है तो एनलिस के हाथ से हिसाब से शायद आफ्री का जो डोमेन नहीं था उसके हवाले से उनको उन्होंने ना सिर्फ बहुत कड़ी तनकीद का निशाना बनाया बल्कि उनको और बताया भी सही कि पाकिस्तान के बारे में अगर आपको कुछ पता करना है तो आप उनके रेलिवेंट लोगों से पता करें आप क्रिकेटर हैं क्रिकेट की हद तक ही अपने आप को महदूद रखें और बाकी कॉन्ट्रोवर्शियल मामला खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान और कश्मीर का मामले को लेके ज़्यादा अपने तसरा का इजहार मत किया करें क्योंकि वो ना ही इस चीज़ के एलिजिबल हैं और ना ही उनको इन मामलों में अपने कॉमेंट्स को ऐड करना चाहिए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोज़ और शेयर कीजिए